हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक सुखद अनुभव होता है, क्योंकि वो माँ बनने वाली होती है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसके जैसे तैसे पूरे 9 महीने तो कट जाते हैं अपने बच्चे के इंतज़ार में, लेकिन गर्भावस्था का आखिरी चरण जो कि कहलाता है 9वां महीना, ये कटना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस दौरान पल पल इंतज़ार होता है अपने बच्चे के आने का। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 9वें महीने में आप क्या करें, क्या ना करें, आपको क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उठने बैठने पर ध्यान। गर्भ का जब 8वां महीना पूरा हो जाए तो बच्चा माँ के गर्भ में पैर चलाना शुरू कर देता है। कर तो पहले भी देता है, लेकिन 9वें महीने में बहुत तेज़ी से उसके पैर और शरीर एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। 9वें महीने में उसका लाते मारना बढ़ जाता है, जिससे आपको पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है। इसलिए इस महीने आपको सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, बल्कि आपने उठने बैठने पर भी पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप इस समय उठने बैठने में कोई गलती करती हैं तो यह आपके बच्चे के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए सावधानी के साथ हाथ का सहारा लेते हुए उठें, और झटके के साथ ना उठें बैठें और तेज़ी से ना चलें। खान पान पर रखें विशेष ख्याल। गर्भावस्था के आखिरी महीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको अपने खाने को दिन में 3 बार खाने की बजाय आपको 6 बार में बांट कर लेना चाहिए। इस दौरान आपको ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे लो फैट, मिल्क, डेयरी उत्पाद, ताज़े फल और सब्जियाँ आदि। आपको विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। इस दौरान आपको भूरे चावल, रोटी, हरी सब्जियां, दूध आदि का आहार लेना ज़रूरी हो जाता है। व्यायाम करें। इस दौरान आपको हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श ले सकती हैं। सुबह सुबह कोशिश करें कि खूब टहलें। सुबह ठंडी हवा में आपको टहलना ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीने बाद ही आपकी डिलीवरी है, तो आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं लचीली हो जाएंगी। इसलिए टहलना जारी रखें, और इससे शरीर का रक्त प्रवाह सही रहता है और कैलोरी भी ख़त्म नहीं होती है। आराम करें व तनाव ना लें। आपको अपनी गर्भावस्था के आखिरी महीने में पूरा आराम करना चाहिए। इस समय आप अपने आराम में कोई कमी ना होने दें व शरीर को ज़्यादा थकने ना दें। साथ ही आप अपने ऊपर किसी प्रकार का तनाव हावी ना होने दें। इस दौरान स्वाभाविक तौर पर आपको अपने बच्चे के आने की खुशी व घबराहट दोनों होगी, और साथ ही परिवार वालों का दबाव भी होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी यह भी है कि आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि यही आपके सफल प्रसव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का फुल्का काम करें। गर्भावस्था के आखिरी दौर में आपको पूरे आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। इस दौरान भी आप घर के हल्के फुल्के छोटे मोटे काम, जैसे सिलाई मशीन के काम, सब्जी काटना या घर की हल्की फुल्की सी साफ़ सफाई करना, ये सब आप ज़रूर करें। आप चाहें तो झाड़ू या पोछा भी लगा सकती हैं। इससे आप पीठ व रीढ़ की हड्डियों में मजबूती आएगी और मांसपेशियाँ लचीली होंगी। ज़रूरी सामान को पैक कर लें। 9वां महीना लगते ही आपको एक बैग तैयार करके रख लेना चाहिए। उसमें आपको अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है कि आपको क्या क्या सामान में ले जाना है, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकती हैं। और कुछ वैसे कपड़े, नॉर्मल कपड़े, डायपर बच्चों के, या कुछ भी जो आपकी ज़रूरत का सामान है आपको उसमें रख लेना ज़रूरी है। ठंडी चीज़ें ना खाएं। 9वां महीना शुरू होते ही आपको फ्रिज में रखी ठंडी चीज़ें या फिर ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसा होने से आपको डिलीवरी की समय दिक्कत हो सकती है। कुछ ज़रूरी बातें। यदि आप अकेली रहती हैं तो मोबाइल में सबसे ऊपर उस व्यक्ति का नंबर सेव करके रखें जो जल्दी आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा एक डायरी में अपने करीबियों, एम्बुलेंस या अपने डॉक्टर का नंबर अवश्य रखें, ताकि समय पड़ने पर आपको कोई दिक्कत ना आ सके। इसके अलावा डिलीवरी की तारीख अगर नज़दीक आ गई है तो फिर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डिलीवरी के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद तक आपकी प्रेगनेंसी का यानी कि प्रसव दर्द का समय आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बातें जो आपको जान लेना ज़रूरी है कि 9वें महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।